व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वाइबीआर जो है वो स्नो में खड़ी भी है और हम आए हैं ज़्यारत। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टायर्स के ऊपर। इस बाइक को लिए हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। 22 फरवरी को मैंने ये ली थी 2022, और अगले महीने इसको 2 साल हो जाएंगे माशाल्लाह से। इन 2 साल में मैंने ये सोचा था कि मैं इस बाइक को सिर्फ़ और सिर्फ टूर पे निकालूंगा जितना हो सकता है, और शहर में कम से कम चलाऊंगा। तो इन 2 सालों में ये बाइक जहाँ जहाँ गई है, मैं टिम्सन टायर्स के साथ लगे हुए थे, लेते ही मैंने टिम्सन टायर्स में ऐड कर दिए थे। लेकिन जो ऐड किए थे वो मैंने 1000 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद किए थे। तो बाइक इस वक्त चल चुकी है 11000, और आप यहाँ देखें बड़ा खूबसूरत एकदम बर्फ़ ही बर्फ़। और 11000 हो चुकी है बाइक, क्या बात है। अच्छा, मैंने आगे डाला हुआ है टिम्सन TS 822, पीछे 823 है, पीछे 190/18, आगे 90/90/18। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीम राइड टू एक्सप्लोर मेरी टीम है, और हम लोग हर महीने टूर्स करते हैं सिलेक्टेड बंदों के साथ, और मुझे बलूचिस्तान बहुत पसंद है, ख़ास करके ऑफ रोड। तो इस बाइक को मैं ज़्यादातर ऑफ रोड पर लेके गया हूँ, और रोड पे भी चली है ज़ाहिर है। तो ये बाइक जहाँ जहाँ गई, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक से जब मैंने स्टार्ट किया था टिम्सन टायर्स के बाद, तो ये बाइक गई थी केरथर 2 दफ़ा। उस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ था, तो केरथर जाने के बाद, केरथर के बाद फिर हमने किया था लहूती, उसके बाद लहूती पिकनिक पॉइंट, उसके बाद फिर हम गए थे शाह नूरानी, फिर हम गए केव सिटी, फिर उसके बाद मच्छानी, मछानी के बाद गोरख हिल के पीछे कैनियंस होते हैं, बहुत टफ ट्रैक होता है, वो ट्रैक किया इस बाइक के ऊपर, जिसमें हम 1 घंटे के अंदर बमुश्किल सिर्फ 10 किलोमीटर तय कर पा रहे थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं टायर्स और इन्हीं बाइक के साथ किया, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट नहीं बल्कि 2022 में। हाँ, तो उसके बाद फिर हम वहाँ से आए, फिर हम गए चनेसर, चनेसर पॉइंट किया, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त ऑफ रोड ट्रैक है, जैसा कि आजकल चमलोई शमलोई, तो वो भी उसके अतराफ़ में ही है। उसको करने के बाद फिर हम वहाँ से गए पीर भक्कर सैंड फ़कीर, उसके बाद फिर मैं गया मोला चटुक, मोला चटुक के बाद फिर ये बाइक पे मैं गया दुदार कनराज, हैदराबाद के बीच में चक्कर लगते रहते हैं नवाबशाह के, उसके बाद फिर हम गए, वहाँ से आने के बाद दोबारा पीर अब्दुल्ला मछानी अपने कुछ नए दोस्तों को लेकर, उसके बाद फिर वहाँ से आया, फिर उसके बाद हमने हनीदान किया, हनीदान के बाद फिर हम लोग जो हैं और भी डिफरेंट जगहों पे जाने लगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने विंदर में शमलोई निकाला, तो सारे वहाँ जाने लग गए। शमलोई के बाद हम गए पूसी जॉर्ज, पूसी जॉर्ज के बाद अगेन मैं एक नूरानी का ट्रैक करने गया था, नूरानी के बाद फिर स्नैक जॉर्ज का ट्रैक किया, और अभी 1 महीने का गैप लेकर अब हम यहाँ पर क्वेटा ज़ियारत की तरफ मौजूद हैं। तो ये बाइक 125 cc, टायर्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, कहीं पर भी इस बाइक के टायर मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि बाइक जो है ना वो अपनी ग्रिप छोड़ रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह 10000 किलोमीटर बाइक इन टायर के ऊपर चली, 11000 तो वैसे हो गई है, और अभी हम स्नो के अंदर आए हुए, स्नो एक्सपीडिशन कर रही है टीम राइड टू एक्सप्लोर, उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएँगे आगे की तरफ। और अगर मैं इस टायर के बारे में आपको बताऊँ, तो ये टायर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं हुआ है, ना इसकी नोज़ल ख़राब हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं घर में खड़ी रखता हूँ बाइक, और कोशिश होती है कम से कम निकालूँ, टूर पे ही निकालूँ, तो हर महीने मैं सिर्फ राइड करता हूँ, या मैं मैकेनिक वगैरह या एयर पंप, चूँकि मेरे पास जो है वो मैनुअल है, तो बाहर से हवा डलवाता हूँ मैं, तो 5 PSI ये कम कर देती है, उसके अलावा कम नहीं करती हवा, 20-25 दिन खड़ी रहती है, तो 5 PSI कम करना नॉर्मल सा है। जहाँ तक बात है, बहुत सारे ग्रुप वाले और बहुत सारे लोग कहते हैं टायर हार्ड है, तो देखें ट्यूबलेस टायर हार्ड होता है थोड़ा बहुत, वहाँ पर डार्सन डला हुआ है उस CB के अंदर, और एक हमारे पास GS है उसमें भी अभी टिम्सन डला हुआ है, एक CB आई उसमें भी टिम्सन डला हुआ है, तो सबका यही मिला जुला रद्देमल है कि ज़बरदस्त टायर्स हैं। तो गाइस, ये टायर्स मैंने लिए थे बरकत टायर से, फहद भाई से, वो हमेशा हमें अच्छी डील देते हैं और अच्छा डिस्काउंट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप लोगों को भी टायर चाहिए तो आप लोग फहद भाई से रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चला इन्जॉय करने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक मुझे दे दादा साइनिंग आउट, देन बाय बाय, पूरी टीम बुला रही है।